हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए से यूनिक सिस्टम्स लेकर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देख लिए थे, एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, ऐसे तो आप लोगों ने टाइटल के ऊपर से देख ही लिया होगा, बट स्टिल जस्ट एंड फॉर्मेलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ ही, इसको हम मोस्ट आईएमपी वाली कैटेगरी में ले सकते हैं। अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल नंबर 1 to 100। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 4। मतलब कि हमने जो लास्ट एक सम किया था जिसमें ऐसा था कि आइधर स्पेड और एस का कार्ड हो, तो वहाँ पे हमने किया था उसको 2 अलग अलग इवेंट्स लेके। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम उसी तरीके से अलग अलग 2 इवेंट्स लेके ही इस सम को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एन क्या है। तो एन जो है वो है 1 to 100, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं। सो एन, और उसमें से हमको एक नंबर सिलेक्ट करना है। यस, अ नंबर इज सिलेक्टेड, तो आगे ए का मतलब है एक नंबर सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो एन इज इक्वल्स टू 100 C1, दैट मीन्स 100। ठीक है, एंड फिर आगे बोला है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया नहीं कि आप लोगों को ब्लू या ब्लैक इंक पसंद है, तो अभी मैं ब्लैक इंक यूज़ कर रही हूँ। ओके, अब हमें बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट दैट द सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो हम इवेंट ए बोल देते हैं, सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल कितने होंगे आप लोग बता सकते हो? 3, 6, 9, 12, 15 से लेके लास्ट होगा 99। यस, एग्जैक्टली 99। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स होंगे, कैन यू गैस? सी, 1 to 30 में 10 होंगे, फिर 31 से लेके 60 तक में दूसरे 10 होंगे, फिर 61 to 90 में तीसरे 10, एंड फिर 91 to 100 में दूसरे 3। तो टोटल 33 नंबर्स आर देयर। सो हमें एम इज इक्वल्स टू मिलेगा इधर 33। ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन 33/100। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इवेंट, दैट इज इवेंट बी। एंड इवेंट बी में बोलूं कि सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। सो 5 वाले तो वेरी सिंपल, 1 to 50 में 10 और बाकी के 51 to 100 में 10। सो टोटल 20 नंबर्स आर देयर। ट्वेंटी तो लग रहा है ना आपको ये? चलिए, सो पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू
next further let's move on to the next event, that is A intersection B. अब यहाँ पे A एंड B दोनों ही इवेंट साथ में बनेगी, दैट सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 and 5. इधर एंड है, खास ध्यान रखना, मतलब नंबर 3 and 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए. सो हम लोग 15 वाले देखेंगे. ये दोनों का मल्टीपल है, 30, 45, 60, 75 and 90. ये सभी नंबर्स ऐसे हैं जो 3 and 5 दोनों के ही मल्टीपल हैं. सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B सिक्स डिवाइड बाय 100. एंड नाउ फॉर्मूला रखेंगे हम A यूनियन B का, सिलेक्टेड नंबर is multiple of 3 or 5. So P of A union B is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So friends, P of A का मतलब होता है 33/100. P ऑफ B मतलब 20/100 एंड A इंटरसेक्शन B मतलब 6/100. चलो तो 53 - 6 मतलब 47/100 इज योर फाइनल आंसर. That's it. So friends, this is our final answer of this question. Hope so आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया. फिर से एक बार क्विक रिविजन दे देती हूँ कि हम लोगों ने क्या किया. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बोला है कि नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल नंबर ऑफ 1 to 100. 1 to 100 में से हम लोगों को एक नंबर सेलेक्ट करना था, तो 100 में से एक मतलब हमें n मिल गया 100. देन आफ्टर हमने इवेंट A बोल दिया कि सिलेक्टेड नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है. देन आफ्टर इवेंट B बोल दिया कि सिलेक्टेड नंबर मल्टीपल ऑफ 5 है. एंड हमको A यूनियन B फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास जो भी फार्मूला है A यूनियन B का, उसमें हम लोगों को A इंटरसेक्शन B की ज़रूरत होती है. तो इसीलिए हम लोगों ने A इंटरसेक्शन B इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया. एंड देन आफ्टर सभी को हम लोगों ने एक फार्मूला के अंदर पुट कर दिया एंड फाइनल आंसर आप लोगों के सामने है. क्लियर? बहुत ही इजी सम था, बट यस काफ़ी ट्रिकी भी है एंड इम्पोर्टेंट भी है. एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है एंड अभी भी पूछने के चांसेस है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बोला गया है, टू बैलेंस्ड डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइस इज मल्टीपल ऑफ 2 or 3. अब यहाँ पे सबसे पहले तो जब भी दो डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं तो उसका यू आपको पता होना चाहिए. मैं आगे बहुत बार आपको एक ट्रिकी वे में इसका यू लिखना सिखाई हूँ, फिर भी अभी एक और बार सिखा देती हूँ.
इस तरीके से लिखने से ये होगा कि आप गलती करने के चांसेस आपके पास बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे के पूरे 36 आउटकम्स लिख लिए हैं। क्लियर। तो ये 36 आउटकम्स लिखने से ये होगा कि हमारे लिए जो सम की प्रोसेस है वो बिल्कुल इजी हो जाएगी। नाउ यहाँ पे हम लोगों को बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज मल्टीपल ऑफ 2 और 4। मतलब दोनों के जो सम है, ये दो दो जो डिजिट्स दिख रही है, वो दोनों डिजिट का सम वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। ये है इवेंट ए। तो 2 के मल्टीपल्स जो भी हैं मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देती हूँ ब्लू से। फर्स्ट है ये 2 का मल्टीप्लाई है, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 6, देन 8, देन 10 एंड लास्टली 12। सो ये जितने भी ब्लूस एंड लाइन है वो सभी नंबर्स ऐसे हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं, राइट। तो अगर आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना है देन इट्स टोटली ओके, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इवेंट ए। तो आप लोगों ने गिन लिए होंगे कितने हुए, टोटल 18 नंबर्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, m इज इक्वल्स टू 18 मिल गए हैं। सो p ऑफ a इज इक्वल्स टू 18 divided by 36 और वी कैन से 1/2। इवेंट बी हम ले लेते हैं, सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस आर मल्टीपल ऑफ 3। सो 3 के मल्टीपल्स कितने हैं हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, इस बार नहीं लिखेंगे, वो थोड़ा मोनोटोनस लगा मुझे भी और आपको भी लगेगा। सो यहाँ पे मैं जितने भी 3 वाले हैं उसके ऊपर राउंड बना देती हूँ। ये है 3 के मल्टीपल्स, देन 3 के बाद 6 के मल्टीपल्स, एंड फिर 9 के मल्टीपल्स,
एंड लास्टली 12 के मल्टीपल्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल कितने नंबर्स मिले, यू कैन सी 1, 2, फिर 7, फिर दूसरे 5, मतलब 12. सो यहाँ पे बी में मुझे टोटल नंबर्स मिल रहे हैं, लिख ही देते हैं एक बार फिर से, 1, 2, 2, 1. देन आफ्टर 1, 5, 6 वाले हैं, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 एंड 5, 1. देन आफ्टर 9 वाले चाहिए मुझे, सो 9 वाले में होंगे 4, 5, 3, 6, फिर 5, 4 एंड 6, 3 एंड लास्टली 6, 6. दैट्स इट. तो ये हो गए टोटल हमारे 12 आउटकम्स एंड पी ऑफ बी मिल गया फटाक से. एंड नाउ हमको चाहिए मल्टीपल ऑफ 2 and 3 दोनों ही, दैट इज इवेंट ए इंटरसेक्शन बी मल्टीपल ऑफ 2 and 3. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो भी हमको दोनों में दिखा वो सारे 2 and 3 दोनों के ही है, मतलब 6 and 12 वाले जो भी है वो सारे ही दोनों के मल्टीपल्स हैं. लिख देते ही यहाँ पे, वन एंड फाइव, 2 and 4, 3 and 3, 4 and 2, 5 and 1 एंड 6 and 6. दैट्स इट. सो यू कैन सी ये टोटल 6 नंबर्स ऐसे हैं कि जिसमें दोनों को ही मल्टीपल है, दोनों के ही मल्टीपल है, मतलब 2 के भी और 3 के भी. सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एम बाय एन, 6 by 36, 1 by 6. एंड नाउ ए यूनियन बी, इसका मतलब है मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 2 के भी मल्टीपल और 3 के भी मल्टीपल. सो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला रख देते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो पी ऑफ ए मिला था 1 by 2 प्लस 1 by 3 माइनस 1 by 6. एलसीएम लेते हैं, 6 आया, 3 plus 2 minus 1, इट विल बी 4 by 6. 4 by 6, सो योर आंसर इज 2 by 3. क्लियर? सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. होप सो आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ गया. क्या किया एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ. पहले हम लोगों ने 2 वाले देख लिए, फिर 3 वाले देख लिए, फिर जहाँ पे राउंड भी आया और नीचे लाइन भी आया वो है इंटरसेक्शन वाला हिस्सा, एंड फिर वैल्यूज़ को फॉर्मूला में रख दिया. दैट्स इट फ्रेंड्स. तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे जल्दी से. तब तक के लिए रजा लेती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.